समाज में आग लगा के छोड़ दे तुम लोगों ने। अरे हिंदू धर्म के लोग, तुम हिंदू को हिंदू नहीं मानते तुम लोग। ये तुम्हारे गुंडागर्दी बहुत दिन चलने वाला नहीं है अभी। और ये स्वामी के ऊपर 11 केसेस है मेरे पास। तो डरने की कोशिश करते तुम लोग, डरने की कोशिश करते तुम लोग। तुम लोग अभी ये अफवाह फैला रहे कि पीर पाशा दरगाह, ये दरगाह नहीं है। ये आतंकवादी, ये लोग आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंदोलन स्वामी लिंगायत नहीं है। मुसलमान और ये लिंगायत कैसे भाई हो जाता? यही सिद्धलिंग स्वामी गुंडा स्वामी लोग थे। यही सिद्धलिंग स्वामी का आतंकवादी हिंदू संगठन के लोग थे। ये लोग भूल गए है अभी? तुम ही बोले थे ना, हम तुम तो हिंदू लोग मुसलमानों के पास मटन नहीं खाना, हम सप्लाई करेंगे बोल के। कौन खाते बोल के तुम ये कर रहे थे? वही तुम लोग, तुम्हारे जात के लोग मारे, वही तुम्हारे आतंकी हिंदू आतंकी ने मारे उन लोगों को। तुम घड़ी घड़ी मुसलमानों को लेकर जो गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे, ये ठीक नहीं है। बसवन्ना के शहर बसवा कल्याण में अनुभव मंडप और पीर पाशा दरगाह पर आंदोला स्वामी का बयान आया है। ये वही आंदोला स्वामी है जो हर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर सस्ती शोहरत कमाने की फिराक में रहता है। हर बार की तरह इस बार भी आंदोला स्वामी ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। इस बार आंदोला स्वामी ने बसवा कल्याण में मौजूद पीर पाशा दरगाह को अनुभव मंडप होने का दावा किया है। और इस आंदोला स्वामी के बयान पर दलित सेना प्रेसिडेंट हनुमान यरसंघ की एडवोकेट ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कुछ दिन पहले आंदोला स्वामी ने बयान जारी कर कहा, बसवा कल्याण में पीर पाशा दरगाह पहले अनुभव मंडप था, तोड़कर पीर पाशा दरगाह बनाई गई है। आंदोला स्वामी के इस बयान पर सबसे पहले अनुभव मंडप के प्रेसिडेंट ने जवाब देते हुए कहा, बसवा कल्याण में जो पीर पाशा दरगाह है वो पहले से दरगाह ही है, वहाँ कोई अनुभव मंडप नहीं था। कुछ लोग इस तरह बेफजूल के इश्यूज क्रिएट कर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आंदोला स्वामी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों से पहले हनुमंत यरसंगी और अनुभव मंडप के प्रेसिडेंट बसवालिंग स्वामी जैसे लोग आंदोला स्वामी को अपने अंदाज में जवाब देते नजर आ रहे हैं। इस बार हनुमंत यरसंगी ने आंदोला स्वामी को क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो चर्चा हो रही है कर्नाटक स्टेट में, ये बीदर डिस्ट्रिक्ट का बसव कल्याण जो तालुका है, बसव कल्याण जो 12th सेंचुरी में 12 शतमान की जो 12th सेंचुरी के अन्ना बसवन्ना जो सामाजिक न्याय को लेकर जो स्ट्रगल किया था, क्रांति किया था, वचन क्रांति किया था, वहाँ अनुभव मंडप स्थापित करके जो ऑल ओवर इंडिया के जितना भी जो भारतवर्ष के जो लोग थे, भारतवर्ष के शरण लोग थे, उन लोगों को वो बुला के वहाँ अनुभव मंडप में कुछ चर्चा करने के लिए और जाति रहित समाज बनाने का, महिला जो औरत लोगों को समान हक देने के लिए जो बात कर रहे थे, जो इंटर कैस्ट मैरिज के लिए जो ये कर रहे थे, उस बस अनुभव मंडप वहाँ थे 12 शताब्दी में। वो अनुभव मंडप के बगल में वहाँ बसव कल्याण में एक पीर पाशा दरगाह बोल के वहाँ एक दरगाह है। और कुछ लोग अभी ये अफवाह फैला रहे कि पीर पाशा दरगाह, ये दरगाह नहीं है, ये ओरिजिनल अनुभव मंडप है। वो ओरिजिनल अनुभव मंडप को ये लोग ने, मुसलमानों ने वो दरगाह बना के रख दिया। तो वो दरगाह लेने के लिए हमने तो ये नेक्स्ट जो इस मंथ जो 12 तारीख को सब जो हमारे स्वामी लोगों के साधु संत लोगों को लेकर हम अब स्ट्रगल शुरू करने वाले बोल के, और एक यहाँ की जो हमारे गुलबर्ग का ये सिद्धलिंग स्वामी, उसने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट आज प्रजावाणी पेपर में ये हमारे ये बसुलिंग पट्टदेवर जो अनुभव मंडप के प्रेसिडेंट है बसव कल्याण का, जो बहुत बड़ा बहुत बुद्धिमान स्वामी जी है और बसवादि शरण की विचारधारा में जो बसवादि शरण विचारधारा में चलने वाले एक साधु संत है, उसने वो बसुलिंग पट्टदेवर स्वामी जी ने स्टेटमेंट उसने दिया कि जो पीर पाशा दरगाह जो है वहाँ पीर पाशा दरगाह है, हो वहाँ अनुभव मंडप कोई एविडेंस नहीं है। कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे वो झूठ है। ये तो वहाँ अनुभव मंडप था या नहीं थे, तो ये देखने के लिए हिस्टोरियन आना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले आना चाहिए, उनको मालूम होते जो बाकी किसी को मालूम नहीं होता। ये गलत, ये अफवाह फैला रहे लोग, ये ठीक नहीं है।
और उसने स्टेटमेंट दिया। और एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ये हिंदू रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जामदार साहब बोल के लिंगायत के बुद्धिमान एक ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर है, उसने भी बोला कि पीर पाशा दरगाह एंड ये बसो कल्याण का जो अनुभव मंटे उसको कुछ लिंक संबंध नहीं है, और ये उसने बोल दे। और हमारे बसोलिंग पट्टदेवर ये भी बोला कि बसवाण की वचन और उनका जो शरण संत लोग थे, शरण लोग थे, उनका किसी का वचन में ये पीर पाशा दरगाह ही हमारा ये बसो अनुभव मंडप थे बोल के कहीं उल्लेख नहीं बोल के हिस्ट्री ने बोल के दिया है। और अभी ये बोल रहा है कि ये बसोलिंग पट्टदेवर ये मुस्लिम एंड जो लिंगायत दोनों भाई भाई जैसा है बोल के, दोनों भाई भाई है बोल के ये बोल दिए। तो ये स्वामी पूछता, ये आंदोलन का स्वामी पूछता, और ये वो मुसलमान और ये लिंगायत कैसे भाई भाई हो जाता, बसवाणा मुस्लिम धर्म से लिंगायत धर्म से पैदा किया, या और या ब्राह्मण धर्म से ये अपना लिंगायत धर्म पैदा किया, स्थापित किया, ये स्वामी जी क्लैरिफिकेशन देना। ये जो बोल रहे आप ये ठीक नहीं बोल रहे, ये अच्छा नहीं है। और वो बोलता है कि ये माते महादेवी जो उनका परंपरा के स्वामी है, और सिंगल वर्ड बोलता कि वो माते महादेवी के परंपरा के स्वामी, एक स्वामी बोल के बसवलिंग पट्टदेवरु ऑल ओवर कर्नाटक में उनको जानते हैं, सब लोग जानते हैं उनको, उनका असली, उनका बसवलिंग पट्टदेवर, उनका ताकत क्या है, उनका बुद्धिमान क्या है, ये सब जानते हैं। ये इतना होने के बाद भी ये पूछता है, स्वामी पूछता है कि ये एक उन्होंने बोल देता है, सिंगल वर्ड बात कर देता, और ये कर देता है कि मुसलमान बहुत सारे जानवर काट के खाते हैं, हाँ एक ऐसा बसवा के अनुयायी बन सकता, और बसवाद की विचारधारा अलग है और इनका विचारधारा अलग है। मैं पूछता हूँ अभी स्वामी को, ये हमारे हिंदू धर्म जो बोल रहे तुम, इसमें बहुत सारे लोग हैं, हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग है, बहुत सारे प्राणी पशुओं को खाते इधर, मार के खाते इधर, मालूम है उनको स्वामी को। और ये स्वामी, तेरा स्वामी जो है काली स्वामी बोल के मंगलोर को, दक्षिण कन्नड़ को स्वामी बोलता को, मैंने मुर्गी काट कर दे दूंगा, मैंने मटन काट कर दूंगा, हिंदू समाज के लोग हम खुद काट कर तुम सप्लाई करेंगे बोल देते थे, ये भूल गए तुम, यही लास्ट मंथ की बात है। यही सिद्धलिंग स्वामी जी के संतान लोग थे वो लोग, यही सिद्धलिंग स्वामी गुंडा स्वामी लोग थे, यही सिद्धलिंग स्वामी जी का आतंकवादी हिंदू संगठन के लोग थे, ये लोग भूल गए ये, अभी तुम ही बोले थे ना हम तुम तो हिंदू लोग मुसलमानों के पास मटन नहीं खाना, हम सप्लाई करेंगे बोल के, कौन खाते बोल के तुम ये कर रहे थे। अब बोलते बसोलिंग पट्टदेवर को, ये मुसलमान है बहुत सारे जानवर खाते वो लोग, वो कैसा बसवा करो, बसवाने क्या बोला था, बसवाने क्या क्या बोले थे, इवन आ रहा अन्नदे यूर यारो, ये कौन ऐसा नहीं मत बोलो, ये मेरा है, हमारा है, ये हमारा, सब हमारे लोग है बोल के समझ लो, बड़े बसवाण बोले तुम क्या कर रहे अभी, वो हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, वो ऊंच जात के, ये नीच जात, तुम डिस्पैरिट कर रहे। ये जो स्वामी डिस्पैरिट कर समाज में आग लगा के छोड़ दे तुम लोगों ने, अरे हिंदू धर्म के लोग तुम हिंदू को हिंदू नहीं मानते, तुम लोग हिंदू को हिंदू नहीं मानते। और ये स्वामी जी बसोलिंग पट्टदेवर महात्मा जो बढ़िया सोच वाले लिंगायत एंड मुस्लिम हम सब एक ही बोल के बोल दिया, भाई भाई जैसे हम रहते, एक एक ना एक रुपया का एक दो पहलू एक रुपये के वंद मुखद वंद नाणद एर मुखगढ़ अंत ये बोले तुमने उसको कैसा बोला तुमने, तो डरने की कोशिश करते तुम लोग, डरने की कोशिश करते तुम लोग, ये किसी का डिक्टेटरशिप नहीं है इस इंडिया में, डिक्टेटरशिप नहीं है ये, प्रजाप्रभुत्व सिटीजनशिप ये चलता, प्रजाप्रभुत्व था बाबा साहब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ये तुम्हारा गुंडागर्दी बहुत दिन चलने वाला नहीं है अभी। और ये स्वामी के ऊपर 11 केसेस है मेरे पास, मैंने अभी आरटीआई इन्फॉर्मेशन एक्शन मैंने इनके ऊपर लिया, और तुरंत इनको अरेस्ट करना चाहिए IGP गुलबर्गा। हम कल दोपहर 12 बजे के बाद 12 बजे को हम IGP गुलबर्गा के पास जा रहे हैं ये स्वामी के खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए। दूसरा काम नहीं इनको, काम नहीं, लोगों जो एजुकेटेड मास उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जो काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा है, और गांव में गरीब लोग मर रहे हैं, और इतना प्राइस हाइक हो गया उसको पूछने वाला कोई नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, बच्चों लोगों को टीचर्स नहीं है,
बिल्ड स्कूल बिल्डिंग नहीं है, अंगनवाड़ी प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं हो रहा है, ये मालूम नहीं होता उन स्वामी जी को? मंदिर मस्जिद ये छोड़कर ये आतंकवादी ये लोग आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम कंडम करते हैं इनको, हम खंडन करते हैं इनको। ये बोलते थे कि स्वामी जी कैसे बसोलिंग पढ़ते थे, स्वामी जी कैसे ये हम ये जो मुस्लिम एंड लिंगायत, एक तू कौन होता पूछने वाला, तू तो लिंगायत नहीं है, ये आंदोलन स्वामी लिंगायत नहीं है, निनगा बसवने का संबंध इला, तू कौन होता पूछने वाला, तू कौन होता पूछने वाला। हमारा क्वेश्चन ये है, तुम माफी मांगना चाहिए ये आंदोलन स्वामी भाई। 12वें शतमानदोलग 12वीं शताब्दी में ये जो शरणर कोले मार्दोर यारो, सावरार शरणर होड़ा थाक दरला, कौन मारे? वही तुम लोग, तुम्हारे जात के लोग मारे, वही तुम्हारे आतंकी हिंदू आतंकी ने मारे उन लोगों को, सनातनवादों ने लोग बहुत सारे शरण लोगों को मार डाले, तुम लोग बसवण कौन मारे, अन्ना बसवण कौन मारे, स्वामी जी तुम ही लोग मार डाले उनको। और जो बसवादी शरणर जो लिख रखे थे वचन साहित्य, वचन साहित्य को ध्वंस कौन किया? तुम ही लोग किया इधर, वचन साहित्य को बर्बाद कौन किया? तुम ही लोग किया, जलाकर राख करके छोड़ दिया तुम लोगों ने, कि हमें मालूम नहीं तुम लोग क्या कर रहे बोले के? ये तुम और तुमने ये बोल रहे धमकी देने की जो बात कर रहे हैं स्वामी जी, ये ठीक नहीं है। तुम घड़ी घड़ी मुसलमानों को लेकर जो गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है।